वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करने का अब फैसला भी कर लिया है। किस सूबे में कितने मकानात बनेंगे, 3 सितंबर को वज़ीर आज़म हाउस में इजलास तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ राजा मोहम्मद साकिब से। राजा मोहम्मद साकिब, आगाह कीजिएगा, 3 सितंबर को वज़ीर आज़म हाउस में ये अहम इजलास होगा। बिल्कुल, हमारे ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास तलब कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल अपने मंशूर में इस बात को शामिल किया था कि मुल्क भर में 50 लाख मकानात बनाए जाएंगे और गरीबों में ये मकानात उनको दिए जाएंगे, उनको रहने के लिए दिए जाएंगे। इस हवाले से इजलास 3 सितंबर को तलब किया गया है और इस इजलास में शोबे तामीरात के माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। और जरा ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा मकानात कराची में बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि कराची की आबादी सबसे ज्यादा है और जहाँ पर तकरीबन 80 लाख घरों की कमी बताई जा रही है। इसीलिए वजारत हाउसिंग स्कीम को भी जो अराजी है, मुख्तलिफ अराजी है, उनकी निशानदही का भी हुक्म दिया गया है। इस इजलास की नज़ारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद करेंगे। ठीक, तफ़सीलात देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहम्मद साकिब।